मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र 38 साल है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हुई कि पीड़िता उज्जैन के जीवनखेड़ी इलाके में ऑटो में चढ़ी। आरोपी ड्राइवर राकेश के ऑटो पर खून के धब्बे मिले, इसी के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं ऑटो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 8 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चल रही थी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह से खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वारदात को अल सुबह 4 से 5 बजे के बीच अंजाम दिया गया है। घटना में 2 ऑटो रिक्शा की संलिप्तता पाई गई है। नीलगंगा इलाके से पकड़े गए एक ऑटो ड्राइवर राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे ऑटो वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने स्वीकारा है कि उसने जीवनखेड़ी इलाके से बच्ची को बैठाकर हाटकेश्वर मार्ग पर उतार दिया था। उसकी ऑटो से खून के निशान भी पाए गए हैं। ड्राइवर का दावा था कि उसने खून से लथपथ बच्ची की मदद की और उसे तन ढकने के लिए कपड़े तक दिए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।